12,000 विधवाओं की पेंशन बंद करने पर केंद्र व दिल्ली सरकार से दिल्ली हाई कोर्ट ने किया जवाब तलब। सामाजिक कार्यकर्ता हरपाल राणा की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कादीपुर निवासी वकील अखिल राणा व उत्कर्ष शर्मा के माध्यम से लगाई याचिका। ये विषय जो थे इसमें से अभी लॉकडाउन के दौरान जो 12,000 पेंशन रोकी गई थी ये तो एक विषय है। इसके अलावा मैं पिछले 20 वर्षों से पेंशन की ऐसी समस्याओं को उठा रहा हूँ जो महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण विषय ये है कि जब भी कोई महिला पेंशन के लिए आवेदन करती है और उसमें जो कमी पाई जाती है तो उस महिला को कोई खबर, उसकी कोई जानकारी नहीं दी जाती कि ये आपके आवेदन में ये कमी है, इसको पूरा कीजिए। लड़की की शादी के लिए आर्थिक सहायता है जो एक बहुत बड़ी समस्या थी। अनेकों महिलाओं के आवेदन इसलिए निरस्त हो गए थे कि विधवा का जब फार्म भरा गया तो उसकी 1,00,000 रुपये आमदनी दिखाई गई और जब लड़की की शादी के लिए फार्म भरा गया तो उनकी 60,000 रुपये आमदनी दिखाई जा रही थी क्योंकि नियम 60,000 रुपये दिखाने का था। वो भी हल हो गया है। इसके अलावा अनेकों विषय ऐसे हैं जो हमने इस याचिका में उच्च न्यायालय में उठाए हैं। ये मुझे उम्मीद है कि इसका जो अगली तारीख लगी है अगस्त में उस पर उससे पहले इन 12,000 विधवा महिलाओं की जो पेंशन रुकी हुई थी ये जारी हो जाएगी। इसके अलावा लगभग 10,000 ऐसे नए आवेदन अभी पिछले 6 महीने से विचाराधीन थे जिनको निर्णय नहीं हो पा रहा था, जो कि नियम के अनुसार 45 दिन में नियम पेंशन का आवेदन पर निर्णय होना चाहिए, उनपे कार्रवाई होगी, उनको पेंशन मिलेगी। और इसी तरह समाज कल्याण विभाग में भी कई हजार आवेदन विचाराधीन है, उनपे भी जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। पर दिल्ली हाई कोर्ट ने लॉकडाउन में बिना कारण बताए 12,000 विधवाओं के पेंशन बंद करने के मामले पर केंद्र सरकार व दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान 12,000 विधवाओं की पेंशन बंद कर दी है। दिल्ली हाईकोर्ट में पीएल लगाई थी ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड और कोविड-19 के पेंडेमिक के दौरान 12,000 ऐसी विधवाएं महिला हैं जिनकी पेंशन रोक दी गई है और उनको एक अनफाउंडेड ग्राउंड्स का रीजन देते हुए कि आपका पता नहीं मिला, आपकी बैंक अकाउंट अपडेटेड नहीं है, आपका आधार लिंक नहीं है, ऐसे ऐसे एक अनफाउंडेड कारणों के कारण उनकी पेंशन रोक दी। कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनरेबल चीफ जस्टिस एंड ऑनरेबल जस्टिस प्रतीक जलान की डिवीजन बेंच ने दिल्ली गवर्नमेंट को नोटिस इश्यू कर दी है। इस केस में नेक्स्ट डेट 26 अगस्त 2020 को लगी है। सरकार को ये जो हमने पीएल फाइल करी इसका रिप्लाई फाइल करने का टाइम दिया है। बिल्कुल उनको पेंशन मिलनी चाहिए, ऐसे खासकर ऐसे पीरियड के दौरान उनको जो आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है उसी के लिए पीएल लगाई गई है। चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस प्रतीक जालान की बेंच ने दिल्ली सरकार और केंद्र को नोटिस जारी करते हुए 26 अगस्त की अगली तारीख सुनवाई के लिए निर्धारित कर दी है। याचिकाकर्ताओं ने उचित सत्यापन के बाद विधवा पेंशन के तत्काल रिहाई की मांग की है। अपने क्षेत्र की छोटी छोटी खबरों को देखने के लिए डबल इन न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। हम अपने सब्सक्राइबर का दिल से धन्यवाद करते हैं।